बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 16 अप्रैल से ओमान के अंदर वैट टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स नाफिस हो चुका है जो 5% है। तो इसमें कुछ दोस्तों के सवालात हैं और जहन में मौजूद हैं और कुछ ने कर दिए हैं कि क्या अगर हम ओमान से अपने मुल्क में जो पैसे सेंड करते हैं उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा 5%। तो इसके बाद में कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ मौजूद है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम 100 ओमानी रियाल सेंड करते हैं तो उसका जो 5% बनेगा वो 5 ओमानी रियाल बनते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो 5% टैक्स देना है वो इस बेस पर देना है, जैसे अगर आप 30-40 रियाल सेंड करते हैं पाकिस्तान में भेजते हैं तो आपसे जो 30-40 एक लिमिट है पैसे सेंड करने के, तो उससे नीचे भेजते हैं तो आपको 2 से 2.5 रियाल 1.5 रियाल देना पड़ता है। तो आपको जो टैक्स देना है 5% उस फीस के ऊपर देना है जो आपने 1.5 से 2 रियाल जो आपने पे करने हैं। अगर आपका जो उनकी लिमिट बैलेंस है उससे नीचे है तो आपको जो 1.5 से 2 रियाल देने पड़ते हैं उसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना है। अगर आप वो लिमिट से नीचे नहीं पैसे सेंड करते, ऊपर सेंड करते हैं, तो तब आप जानते हैं कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ती, तो तब आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। यानी आपने जो पैसे सेंड करने हैं उस पर टैक्स नहीं है, जो फीस ली जाएगी आपसे सिर्फ उसके ऊपर 5% टैक्स होगा। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं अगर ओमान से पैसे सेंड करते हैं, खासकर जो अफ्रीका के इलाके हैं, तो वहाँ का 2.5 से 3 रियाल चार्ज है, तो उस 2.5 से 3 रियाल जो चार्ज है उस हिसाब से ही 5% टैक्स काटा जाएगा। बाकी जो आपने पैसे सेंड करने हैं वो चाहे 1000 रियाल सेंड कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, उसका कोई भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सिर्फ सर्विस फीस होगी सिर्फ उससे उसका सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, बस यही टैक्स है 5% जो है। बाकी इसके हवाले से मज़ीद कोई आपके जहन में सवालात हो तो आप वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इसकी रिप्लाई दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छे और मालूमती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।